नमस्कार मु किशोर आपण मान को एन क्लासेस को स्वागत जनाउछि। पिला माने आजिरो हमरो जो सब्जेक्ट अछि जो टॉपिक अछि सेटा होछि इनफर्टिलिटी। आपण माने जानिथिबे केवल भारत रे नुहे सारा विश्व रे एमिति बहुत सारा कपल्स अछन्ती दंपति अछन्ती जो माने बंध्या दोष कारण रु अत्यंत दुखित। तो आजिरो आम टॉपिक रे आमे देखिवा जे ई बंध्या दोषर कारण कौन तार इन्वेस्टिगेशन कौन तार ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कौन ये सब जिनस देखिवा। इनफर्टिलिटी टॉपिक डी एग्जाम पाई भी बहुत गुरुत्वपूर्ण ठीक अच्छे। तो चलतु आज विषय स्टार्ट करवा इनफर्टिलिटी। वीडियो आरंभ करवा पूर्व समस्त अनुरोध जो मैंने वीडियोटी को सब्सक्राइब करना दयाक सब्सक्राइब करूँ कहीं एमती इम्पोर्टेंट टॉपिक चैनल रे रेगुलर भाव रे हमरो अपलोड होची। तो आम देखिवा इनफर्टिलिटी आज यूजुआल प्रथम देखिवा आम तारो डेफिनेशन हैला बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करा हिची बुझिया पई चेष्टा करंतु बुझी परिबे। तो डेफिनेशन कोन कहला ए जो शब्द टी अछि इनफर्टिलिटी हैला ए इनफर्टिलिटी रे इन रो मीनिंग होची नो इन रो मीनिंग होची नो आ फर्टिलिटी रो मीनिंग होची प्रेगनेंसी ठीक अच्छे। तो इन फर्टिलिटी मीन्स नो प्रेगनेंसी माने गोटे कपल जी कि प्रेगनेंसी अचीव करी पारु नाही हैला बारंबार अनप्रोटेक्टेड सेक्स कला परे मध्य सप्ताह को तीन रु चारि थर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कला परे मध्य तार प्रेगनेंसी होउ नाही से प्रेगनेंसी अचीव करी पारु नाही से सिचुएशन को कौन कहवा इनफर्टिलिटी। तो डेफिनेशन कौच इन रिफर्स टू नो एंड फर्टिलिटी मीन्स टू अचीव प्रेगनेंसी। सो द वर्ड इनफर्टिलिटी मीन्स फेल्युअर टू कंसीव विद इन वन और मोर इयर्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स दैट इज 3 to 4 टाइम्स इन ए विक् बुझीगला गोटे सप्ताह तीन रु चारि थर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कला तीन रु चारि थर अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशनशिप पर मध्य प्रेगनेंसी अचीव करि पारु नाही हला केते बेले ना विदिन वन और मोर इयर्स गोटे वर्ष भितरे सप्ताह को तीन रु चारि थर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कला पर मध्य कपल कौन करि पारु नाही प्रेगनेंसी अचीव करि पारु नाही ताकू कौन कहबा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी सांगरे आउ गोटे वर्ड अछि स्टेरिलिटी ठीक अछि आ गोटे वर्ड अच्छे स्टेरिलिटी ये कौन ए कपल हु नेवर अचीव प्रेगनेंसी। अच्छा इनफर्टिलिटी आ स्टेरिलिटी भितर डिफरेंस कौन दुटा यांक तो शुणा जा दुटा यांक मीनिंग को जदि देखा तेल एका भाया लगुच किंतु प्रकृत में सामान नुहति। इनफर्टिलिटी मीन्स वर्तमान पर्यंत प्रेगनेंसी होना किंतु जदि तार ट्रिटमेंट कराए तो फ्यूचर रे प्रेगनेंसी अचीव करिवार संभावना अछि एटा हला इनफर्टिलिटी। किंतु स्टेरिलिटी रो मीनिंग होउछि जे कपल केबे भी प्रेगनेंसी अचीव करि पारिबो नाही हला स्टेरिलिटी होउछि परमानेंट इनफर्टिलिटी बुझि हला एबे। तो ए जो इनफर्टिलिटी अछि एटा मेनली दुई भाग रे विभक्त करा हिछि यार टू टाइप्स अछि कोन ना प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी कौन प्राइमरी इनफर्टिलिटी होची पूर्वरु वर्तमान पर्यंत कपल रो कोनोसी प्रेगनेंसी रो हिस्ट्री नाही फ्यूचर रे मे भी हेई पारे मे नॉट भी न होई पारे ठीक अछि मे भी हेई पारे मे भी न होई पारे फ्यूचर रे किंतु वर्तमान पर्यंत कोनोसी प्रकार प्रेगनेंसी रो हिस्ट्री नाही सेटा हला प्राइमरी इनफर्टिलिटी ठीक अछि। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कौन ना कपल रो प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री अछि किंतु से प्रेगनेंसी अबोर्शन हेला पोरे से प्रेगनेंसी अबोर्टेड हे गला पोरे ता परोढु वर्तमान पर्यंत आउ प्रेगनेंसी रो हिस्ट्री नाही दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बुझियला। प्राइमरी इनफर्टिलिटी होउछि वर्तमान पर्यंत कोनोसी प्रकार हिस्ट्री नाही फ्यूचर रे हेई भी पारे नो भी हे पारे बुझियला। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होची आगरु प्रेगनेंसी अच्छी प्रेगनेंसी थिला आगरु किंतु सेटा अबोर्टेड हो गला किंबा
छुआ जन्म होला जहाँ भी होला किंतु प्रेगनेंसी रो हिस्ट्री थिला ठीक अच्छे किंतु ता परोठू आउ प्रेगनेंसी है ही नहीं दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो यार कारण कौन इनफर्टिलिटी रो कारण कौन ना फॉल्ट इन मेल फॉल्ट्स इन फीमेल एंड कंबाइंड फैक्टर पुरुष मध्य किसी प्रोब्लेम थी पारे स्त्री पाखे भी किसी प्रोब्लेम थी पारे कि उभय दुईज पाखे किसी प्रोब्लेम थी पारे कि बर्तमान पर्यटन गाँ गहली कौन हो लोक भावुंट जदि बंध्याकरण है केवल दोष स्त्रीर है कि नुहे पुरुष भाई मान अनुरोध जे कम से कम बुझंतु कहीं केवल स्त्री पाखे प्रोब्लेम न था पुरुष पाखे भी प्रोब्लेम थाए आगे आम देखा कौन कौन सब प्रोब्लेम अच्छे है तो वन बाय वन आम डिस्कशन करवा फास्ट हूँ फॉल्ट्स इन मेल पुरुष पाखे कौन सब प्रोब्लेम थाए जो द्वारा कि इनफर्टिलिटी कॉज हो पारे बुझेगा फास्ट हूँ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एफेरेंट डक्ट सिस्टम है ये ऑब्स्ट्रक्शन इन द एफेरेंट डक्ट सिस्टम इटा कंजेनिटल हो पारे मे बी आक्वार्ड हो पारे कंजेनिटल मीन्स जोटा आगुरु अच्छी हला जन्म होगा समय जोटा अच्छी प्राकृतिक भाव में नेचुराल हिसाब से कंजेनेटाल आकवर्ड है जोटा लाइफ रे एमती किसी इभेन्ट आो इभेन्ट द्वारा किंबा जो इभेन्ट पर एमती फिजिकाल प्रोब्लेम आपिअर हो देखापी मिलूँ सीटा है आकवर्ड जोटा कि आगु नु कौन इभेन्ट कौन प्रोसीजर पर एमती सिचुएसन प्रोब्लेम देखापी मिले सीटा है आकवर्ड बुझेगा तो कंजेनेटल कौन इट कैन बी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस कंजेनेटल कौन ना वास डिफरेंस रो एब्सेंस हेले ताकू कहवा कंजेनेटल वास डिफरेंस कौन जेते बेले आमे रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखुथले सेते बेले मु आपन को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो जो ऑर्गन्स एक्सप्लेन करूथली सेठी आपन को मु देखैछि फिगर रे जे वास डिफरेंस कौन कहा जाय तथापि जो माने वीडियो देखी ना से वीडियो गुड़ी को देखंतु बुझी पारिबे ठीक रे मन कर एटा हमरो होची स्क्रोटम हला ये आसीला हमरो स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड रे अटैच हिची कोन वास डिफरेंस हला जो पार्टटा स्क्रोटम उपरे अछि हला जो पार्टटा एंती स्क्रोटम को एंती लागी के अछि सेटा हला वास डिफरेंस आउ सेटा अटैच हिची का संगे स्पर्मेटिक कॉर्ड सांगरे ए मानकर काम कौन ना स्पर्म सिंथेसिस हला पोरे स्पर्मेटिक कॉर्ड देगी ये कौन करे एक्सपेल आउट करे स्पर्म बुझीगला तो कंजेनिटल रे कौन हुए ये जो वास डिफरेंस इटा एब्सेंट थाए जो द्वारा कि इनफर्टिलिटी संभावना थाए आक्वार्ड कौन इट कैन बी ड्यू टू सर्टेन इनफेक्शन लाइक टीबी गोनोरिया और ड्यू टू सर्जिकल ट्रोमा हला जदि टीबी गोनोरिया एमती किसी डिजीज रो इनफेक्शन अच्छी ताहले भी ऑब्स्ट्रक्शन हो पारे एफेरेंट डक्ट सिस्टम रे आउ ऑब्स्ट्रक्शन हेबा फल रे इनफर्टिलिटी हो पारे और ड्यू टू सर्जिकल ट्रोमा माने कौन से सर्जिकल प्रोसीजर होइथिबो सर्जिकल प्रोसीजर पर जदि सर्जिकल साइट रे कौन से ट्रोमाटिक कंडीशन होइथिबो ट्रोमाटिक कंडीशन हो सैला हेले भी मध्य ऑब्स्ट्रक्शन हो था एफेरेंट डक्ट सिस्टम रे जोटा कि लेटर स्टेज रे कौन करे इनफर्टिलिटी कॉज करी थाए तो ये जो सर्जिकल ट्रोमा मेनली को प्रोसीजर समय रे देखा दे थाए हार्नियोग्राफी ठीक अच्छे हार्नियोग्राफी हार्निया रो सर्जरी हो सैला पर सर्जिकल साइट रे ट्रोमाटिक कंडीशन जदि देखिया पाई मिले सेटा डक्ट एफेरेंट डक्ट सिस्टम को एफेक्ट करे और लेटर स्टेज रे इनफर्टिलिटी कॉज करी पारे क्लियर हला देन देखिबा डिफेक्टिव स्पर्माटोजेनेसिस स्पर्माटोजेनेसिस कौन ना स्पर्माटोजेनेसिस होची स्पर्म सिंथेसिस बा स्पर्म प्रोडक्शन रे जदि कोनोसी प्रॉब्लम थिवो हला जदि कोनोसी डिफेक्ट थिवो स्पर्माटोजेनेसिस बा स्पर्म प्रोडक्शन समय रे ताहाले मध्य इनफर्टिलिटी हे पारे तो ए जो डिफेक्ट स्पर्माटोजेनेसिस रे जो प्रॉब्लम देखा जाए को कारण पई देखा जाई पारे ताको आमे डिस्कशन करिबा फर्स्ट होची हमरो ऑर्काइटिस ऑर्काइटिस कौन ना गोटे किंबा दुईटी जाक स्क्रोटम रे इनफ्लामेशन जदि हेइजिवो हैला इनफ्लामेशन इन वन और
बोथ स्क्रोटम ठीक अच्छे सेटा हेगला आमर ऑर्काइटिस इनफ्लामेशन इन वन और बोथ टेस्टिकल बुझेगा। देन क्रिप्टो ऑर्काइटिज्म, क्रिप्टो ऑर्काइटिज्म कौन ऑन डिसेंट टेस्टिस हला टेस्टिसटा ठीक रे डिसेंट ही नथिबो ओके ऑन डिसेंट टेस्टिस ताको कहा जीवो क्रिप्टो ऑर्काइटिज्म। आशा करूछि आपण माने बुझी पारुथबे ठीक रे। ये टर्म गुडा को बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे आपण ए गुडा को नोट करके रखंतु। आउ कौन कौन कारण हो पारे प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलुअर हला प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलुअर माने टेस्टिकल रो जहाँ काम से ठीक रे हो नथिवो बुझी होची। देन जेनेटिक और क्रोमोजोमल डिजोर्डर्स और थायरॉइड डिसफंक्शन यही सब जदि कारण रहिला ताहले स्पर्माटोजेनेसिस बाधाप्राप्त हेबो स्पर्माटोजेनेसिस रे स्पर्म सिंथेसिस बा प्रोडक्शन रे असुविधा हेबो जोटा कि लेटर स्टेज रे कोन करिवो इनफर्टिलिटी कॉज करिवो ओके। देन देखिवा आमर फेलुअर टू डिपोजिट स्पर्म हाई इन द वजाइना, फेलुअर टू डिपोजिट स्पर्म हाई इन द वजाइना ता माने ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वजाइना रे ठीक रे स्पर्म रो डिपोजिशन हो पारिबो नाही हला काहेकि ना प्रेगनेंसी अचीव करिया पई स्पर्म तो निहाती दरकार स्पर्म थ्रू वजाइना जीव आमर यूटेराइन कैविटी देन फालोपियन ट्यूब को जाइकी तार फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होबो किंतु भेजाइन रे को हम ड्यूरी सेक्सुआल इंटरकोर्स स्पर्म डिपोजिशन ठीक रे पार ना तो कौ कौ कारण हो पार नहीं इट मे बी इम्पोटेन्सी है ड्यू टू इम्पोटेन्सी इम्पोटेन्सी कौन इट इज द इनबिलिटी टू कैरी आउट सेक्सुआल एक्टिविटी आइदर साइकोलॉजिकली और ड्यू टू फिजिकल कॉज कौन से साइकोलॉजिकल कंडीशन बा सिचुएशन हो पारे किंबा कौन से फिजियोलॉजिकल इश्यू हो पारे शारीरिक समस्या हो पारे मानसिक बा शारीरिक समस्या जो कौन हम सेक्सुअल एबिलिटी कमी जीवो ठीक अच्छे सेटा गोटे से जदि सेक्सुअल एबिलिटी कमी गला बा सेक्सुअल एक्टिविटी कमी गला ताले स्पर्म डिपोजिट हो पार ना इजाकुलेसन हेनी आउ कौन हो पारे साइको सेक्सुअल डिजॉर्डर हो पारे किंबा ब्लाडर नेक सर्जरी हो पारे हला आमर जो यूरिनरी ब्लाडर रोचे तार से जगह ब्लाडर नेक सर्जरी हो पारे और हाइपोस्पाडियासिस हो पारे ठीक अच्छे। हाइपोस्पाडियासिस कौन हाइपोस्पाडियासिस मीन्स आमर जो यूरेथ्राल ओपनिंग अच्छे सीटा पेनिस रो टिप रे अच्छे पुरुष मानकर ओके किंतु हाइपोस्पाडियासिस सिचुएशन कौन ना से ओपनिंग डा यूरेथ्राल ओपनिंग डा जस्ट जो जगह रहा कथा टिप रे न रही से तल आड़क रो बुझे दूची टी मन करा पेनिस है आमर जनरली नॉर्मली कौटी रोचे यूरेथ्राल ओपनिंग होगा यहाँ बुझेगा यहाँ है नॉर्मल किंतु ओपनिंगटा ये न रही जदि यही तल आड़क रुहे ताकू कह जाए हाइपोस्पाडियासिस बुझेगा ये कंडीशन को कह जाए हाइपोस्पाडियासिस। तो एमती आहुरी अनेक गुड़े टर्म अच्छी जो गुड़ाक बारंबार एग्जाम देखा मिले आउ मत लगुच आपण को मन रखा दरकार कौन कौन से टर्म गुड़ाक ना एस्पर्मिया एस्पर्मिया मीन्स फेलुअर टू प्रोड्यूस सीमेन ठीक अच्छे। एजोस्पर्मिया कौन आबसेन्स अफ स्पर्म इन सीमेन है सीमेन एंड स्पर्म दुईटा जाक अलग मेटेरियाल अलग अलग जिनस है बहुत लोग भावती जे सीमेन आउ स्पर्म दुईटा जाक इक्वाल दुईटा जाक सामान बोली कि नुहे। देन नेक्रोजोस्पर्मिया इमोबाइल और डेड स्पर्म जोटि की नेक्रोजोस्पर्मिया कौन हुए ना स्पर्म गुड़ाक मोबिलिटी ठीक रे हुए ना माने से माने ठीक रे मूव करी पारंती नहीं दैट मे बी ड्यू टू
से माने कौन हो पारती स्पर्म गुड़ाक डेड हो पारती बुझीगला ताकू कह जाए नेक्रोजोस्पर्मिया। देन टेराटोजोस्पर्मिया कौन स्पर्म्स विथ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी माने स्पर्म गुड़ाकर मॉर्फोलॉजी बा आमर जोटा कहते जो भाया तार नॉर्मल फिगर होगा कथा जो गुड़ाक तार नॉर्मल फिगर अनुसार फंक्शन होगा कथा सेमती रुहे ना एबनॉर्मल रुहे से कौन कह जाए टेराटोजोस्पर्मिया। और आस्थेनोस्पर्मिया आस्थेनोस्पर्मिया कौन ना डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी बुझीगला स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज कर तो यही सब कारण पर स्पर्म ठीक रे डिपोजिशन हो पारे ना भेजाइन जो द्वारा कि इनफर्टिलिटी हो पारे बुझीगला। तो एगुड़ाक आम देखिले कॉज है मेल रे कौन सब फॉल्ट रोचे तापर देखा जदि एमती जिनस देखागला किमी जानवा ताको ना इन्वेस्टिगेशन करवा कौन इन्वेस्टिगेशन करवा ना हिस्ट्री नवा हिस्ट्री ऑफ एज ऑफ मैरिज है मैरिज रो एज माने गोटे हूँ बड़ फैक्टर है जो जगह बहुत ओल्ड एज रे लोक मैरिज करते से जगार भी एमती सिचुएशन देखापी मिले कहीं तांकर जो शारीरिक प्रक्रिया से धीरे धीरे धीमा होबार लगी था धीरे धीरे कमिबार लगी था तेणु सेक्सुआल इंटरकोर्स ठीक रे करि परंदे नाही तेणु एज ऑफ मैरिज मध्य गोटे बड़ फैक्टर तार हिस्ट्री नवा। देन मेडिकल हिस्ट्री अबाउट सिफिलिस टीबी मम्स एटसेट्रा जदि कौन सी इनफेक्शन अच्छे आम देखी थे टीबी गोनोरिया एमती जदि इनफेक्शन अच्छे ताहले मध्य कौन हो पार इनफर्टिलिटी हो पार तेणु मेडिकल हिस्ट्री नवा जे लोकटी को सिफिलिस टीबी मम्स भाया कौन से इनफेक्शन तो है कौन ऑक्युपेशनल हिस्ट्री अबाउट रेडिएशन एक्सेसिव हिट्स है ये हिटटा टाइपिंग मिस्टेक हो जाए टी हिट है जदि लोकटी एमती कौन सी जगह काम करुच्ची जो जगार कि कौन अच्छी बहुत सारा रेडिएशन रे एक्सपोजर हो अथवा जोटी काम करुच्ची तार वर्क प्लेस बा एनवायरनमेंट बहुत गरम रोचे बा एक्सेसिव हीट भितरे से काम करुच्ची तार हिस्ट्री नवा आउ कौन ना हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग जदि महाशय मद्यपान करुचंती किंबा गंजेई सिगरेट ये सब पान करुचंती ग्रहण करुचंती ताहले मध्य देखिया पई मिली थाई एमती सिचुएशन हैला इनफर्टिलिटी कॉज हो पारे आउ कौन ना सेक्सुअल हिस्ट्री है सेक्सुअल हिस्ट्री विषय मध्य इनफॉरमेशन कलेक्ट करवा बुझीगला। नेक्स्ट देखिया इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन कौन ना हिस्ट्री ऑफ एफएसएच एंड एलएच ठीक अच्छे सीरम एफएसएच एलएच टेस्टोस्टेरोन टीएसएच एगुड़ाक सब इन्वेस्टिगेशन करवा देखा कौन कौन हूँ कौन पाई ना जदि एफएसएच आउ एलएच है जदि एफएसएच आउ एलएच रो लेवल हाई रोचे इटा कौन धर जे टेस्टिस रे कौन सी प्रॉब्लम थाई पारे बोले धरी निजी बुझीगला तेणु ताकू ठीक रे स्टडी करवा फ्रुक्टोज कंटेंट देखा कहीं फ्रुक्टोज कंटेंट देखा ना फ्रुक्टोज कंटेंट इंडिकेट्स कंजेनिटल आब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसल्स और ऑब्स्ट्रक्शन है जदि फ्रुक्टोज कंटेंट अबनॉर्मल अच्छे ताहले आम जापर जे ना ये आमर जो सेमिनल वेसल्स अच्छे आइदर सीटा आब्सेंस अच्छे और से कौन से ऑब्स्ट्रक्शन अच्छे बुझीगला जदि सेमिनल वेसल्स रे कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन थाए किंबा सेमिनल वेसल्स आब्सेंट थाए ताहले फ्रुक्टोज कंटेंट एबनॉर्मल रहइबो। आउ कौन देखिबा ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी कौन पई करबा टू विजुअलाइज वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड बुझीगला आमे वास डिफरेंस रो लोकेशन से प्रॉपर लोकेशन रे तार अच्छी ना नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड तार प्रॉपर लोकेशन रे अच्छी ना नहीं से मानकर नॉर्मल फंक्शन ठीक रे हो पारुचिना नहीं
तार सेप साइज ये सब जिनस डिटेल्स तार एनाटोमिकल स्टडी करने आम कौन करवा ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी करवा है ना प्रोस्टेट ग्लांड आउ भास डिफरेन्स फंक्शन पर बुझीगला आउ कौन करवा भासोग्राम करवा भासोग्राम कहीं चेक करवा कार एडजॉइनिंग एरिया रो आउ भास डिफरेन्स रो ठीक अच्छे भासोग्राम रे आमे कौन स्टडी करवा भासोग्राम रे आमे भास डिफरेन्स को चेक करवा एवं एडजॉइनिंग एरिया को निरीक्षण करवा से करवा आमे भासोग्राम ठीक अच्छे आउ कौन करवा ना कैरियोटाइपिंग कैरियोटाइपिंग रे कौन करवा इनकेस अफ ओलिगोस्पर्मिया इनकेस अफ ओलिगोस्पर्मिया ये आम कौन करवा कैरियोटाइपिंग अच्छा ओलिगोस्पर्मिया कौन ठीक अच्छे मुझे भिडियो बतेबी आपण मैंने कमेंट करके बतेबे ठीक अच्छे व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया तापर देखिबा आमे मैनेजमेंट मैनेजमेंट कौन ना फर्स्ट देखिबा मेडिकल मैनेजमेंट जदि हाइपोगोनाडिज्म रो कंडीशन थिबो ठीक अच्छे जदि हाइपोगोनाडिज्म रो कंडीशन थिबो बा हाइपोगोनाडोट्रोपिंग थिबो कंडीशन सेटी कोन देबा ना टैबलेट क्लोमिफेन साइट्रेट देवा 25-50 ग्राम ओडी 25 डेज पर्यंत पुणी 5 दिन ताकू रेस्ट देवा पुणी आउ थरे 25 दिन जाए आरंभ हो एमिती 3टा साइकिल रे देवा बुझेला आउ थरे कहि दउची जदि गोनाडोट्रोपिंग हार्मोन रे रो लेवल कम थिबो बा ताकू कोन कह जइबो से सिचुएशन को हाइपोगोनाडिज्म बोली मध्य कहजिव जदि हाइपोगोनाडिज्म सिचुएसन देखागला कि कंडीशन आरइज है कौन देवा से जगह टैबलेट क्लोमिफेन साइट्रेट देवा 25-50 ग्राम है 25-50 ग्राम सॉरी एटा टाइपिंग मिस्टेक हो जाए ये एक्चुअली 50 ग्राम नुह 50 मिलीग्राम ओके मिलीग्राम तो टैबलेट क्लोमिफेन साइट्रेट 25-50 मिलीग्राम देवा ओडी दिन को थरे 25 दिन पर्यंत देवा 25 दिन देला परे 5 दिन रेस्ट देवा बंद कर देवा तापर पुणी स्टार्ट करवा अप टू 25 डेज बुझीगला 25 डेज पर पुणी 5 दिन रेस्ट पुणी 25 डेज पर्यंत एमिती 3टा साइकिल रे देवा आउ कौन दे परिबा ना इंजेक्शन HCG है इंजेक्शन HCG के 5000 इंटरनेशनल यूनिट IM देवा थरे किंबा दुई थर सप्ताह को देवा बुझेला आइदर टैबलेट क्लोमिफेन साइट्रेट नहले इंजेक्शन HCG इंजेक्शन HCG देले 5000 इंटरनेशनल यूनिट देवा IM सप्ताह को थरे किंबा दुई थर आज पर्ज फिजिक्सियन अर्डर बुझेला ये आपण मैंने मन रखु आमर नॉलेज पई एगुडाको मेडिसिन गुडाको एठी मु आपण मानको मेंशन करिचे हैला किंतु मेडिसिन आमे मने मने प्रिस्क्राइब करि परिबा नाही को पाइना नर्सिंग ऑफिसर मानकर काम नहु मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिबा सेटा होचे स्पेशलिस्ट मानकर काम फिजिक्सियन रो काम तेनु फिजिक्सियन बा स्पेशलिस्ट बा सर्जन जहां एडवाइस देले सेही अनुसारे आमे मेडिसिन देबा किमा तारो डोजेस निर्धारण करा हबो बुझियला आउ कोन देबा दे परिबा एडी टैबलेट टेस्टोस्टेरोन 100-160 mg ओडी इंटू 3-4 मंथ्स है टैबलेट टेस्टोस्टेरोन देवा केते डोजेस रोब तार 100-160 mg ओडी अप टू 3-4 मंथ्स आउ कौन देवा ना इन केस ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन और टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन मध्य दे परिबा एटी देखंतु ए लाइनटा होची बहुत इंपोर्टेंट तड़ लाइनटा जे मेडिकेशन शुड बी टेकन एज पर द फिजिक्सियन अर्डर आमे मने मने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करि परिबा नाही बुझियला अच्छा आउ कौन रहला सर्जिकल मैनेजमेंट कौन ना भासो एपिडिडाइमोस्टोमी और भासो भासोस्टोमी मध्य करि परिबा जदि भास डिफरेंस रे कोनोसी ऑब्स्ट्रक्शन अछि बुझियला आम देखुले जे ऑब्स्ट्रक्शन इन एफेरेंट डक्ट सिस्टम
हैला सेठी आमे देखि देले कोन ना भास डिफरेंस रे मध्ये ऑब्स्ट्रक्शन हेथाई पारे जदि भास डिफरेंस रे ऑब्स्ट्रक्शन अछि ताहाले सर्जरी कोन परफॉर्म करा जीवो भासो एपिडिडाइमोस्टोमी और भासो भासोस्टोमी बुझियला। देन जदि वेरिकोसेल कंडीशन अछि वेरिकोसेल कंडीशन कोन ना इटा बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे बारंबार आछि आउ यार गोटे टर्म अच्छे ओर्म बेग लाइक फिलिंगस है मुझे बुझे दूची वेरिकोसेल कंडीशन रे कौन हुए ना आमर जो स्पर्माटिक कॉर्ड अच्छी है आमर अच्छे स्पर्माटिक कॉर्ड से कौन हुए ना सेटार एनलार्जमेंट हो जाए स्पर्माटिक कॉर्ड आम देखी ये आमर स्क्रोटम यहाँ आमर स्क्रोटम उपर रहा भास डिफरेंस ये आसला आमर स्पर्माटिक कॉर्ड भास डिफरेंस सहित अटैच होगा ये जो स्पर्माटिक कॉर्ड अच्छी यार एनलार्जमेंट हो जाए ठीक अच्छे स्पर्माटिक कॉर्ड रो एनलार्जमेंट हो जाए स्पर्माटिक कॉर्ड रो एनलार्जमेंट होगा कौन हुए स्क्रोटम रे स्वेलिंग देखापी मिले है स्क्रोटम रे कौन देखापी मिले स्वेलिंग देखापी मिले तो ये स्वेलींगटा एत बढ़ी जाए जे आम स्क्रोटम कौन हुए गोटे मुणी भलिया तल आड़ झुलिक रुहे बुझेला मुणी भलिया तल आड़ झुलिक रुहे आटा केमी फिल हुए ना फिल लाइक बैग ऑफ ओर्म्स सॉरी टिके थंडा हो जाए एक्चुअली गोला ठीक ना से डिस्टर्बेंस हो तो स्क्रोटम रे स्वेलिंग आसी जाए स्वेलिंग आसी जावा फल गोटे जिया बा कृमि भरा बैग भलिया मुणी भलिया सेटा देखापी मिले सते भितर कि जिया अच्छा हैला से भाया जना पड़े स्क्रोटमटा तो वेरिकोसेल सिचुएशन रे एमती हुए तो जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे क्वेश्चन एमती आसीबो जे इन ह्विच कंडीशन और इन ह्विच डिजीज कंडीशन वर्म लाइक बैग ऑफ स्क्रोटम कैन बी सीन हैला इन ह्विच डिजीज कंडीशन वर्म लाइक बैग इन स्क्रोटम कैन बी सीन एमती को डिजीज कंडीशन अच्छी जोटि की स्क्रोटमटार जिया थिला भलिया थोली भलिया देखापी मिल स्क्रोटम है स्क्रोटम जिया थोली भलिया देखापी मिल एपिरेंस देखा सीटा है वेरिकोसेल जोटा कि आमर इनफर्टिलिटी कॉज करिपारे बुझेगा। तो वेरिकोसेल सिचुएशन रे कौन हुए इन केस ऑफ वेरिकोसेल हाई लिगेशन ऑफ स्पर्माटिक कॉर्ड परफॉर्म करा जाए बुझेगा कहीं स्पर्माटिक कॉर्ड तो एनलार्जमेंट हो जाए स्क्रोटल स्वेलिंग होगा तेणु वेरिकोसेल सिचुएशन रे हाई लिगेशन ऑफ स्पर्माटिक कॉर्ड परफॉर्म करा जाए आउ कौन ना इन केस ऑफ क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म कौन क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म हो जे आमर अनडिसेंट टेस्टिस जदि थी सेठी ऑर्किडोप्रेक्सी परफॉर्म करा जीवो ये है आमर सर्जिकल मैनेजमेंट बुझेगा। देन नर्सिंग मैनेजमेंट कौन परफॉर्म करा जीवो एठी ना एडवाइस टू रिड्यूस वेट इन केस ऑफ ओबेज एटा आबेज नुहे ए जीवोटा है एडवाइस टू रिड्यूस वेट इन केस ऑफ ओबेज ओबेज कंडीशन जदि थी ओबेसिटी जदि थी आम एडवाइस करवा वेट रिड्यूस करने जदि लोकटी स्मोकिंग किंबा अल्कोहल ड्रिंक करूब ताल आवॉइड करने कह एडवाइस देवा आउ कौन करवा एनकरेज द पेशेंट टू टेक कोल्ड स्क्रोटल बाथ एटलिस्ट ट्वाइस इन ए डे फॉर 5 मिनिट्स है एडवाइस करवा जे तुम्हें कोल्ड वाटर रे सेक दियो हैला माने कोल्ड स्क्रोटल बार्थ नबो से आइदर एटलिस्ट ट्वाइस इन ए डे दिन को दुई थर प्रति थर के 5 मिनिट पर्यंत हैला गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट आउ आमे कौन करिया साइकोलॉजिकल सपोर्ट देवा आउ एजुकेट द पीपल अबाउट प्रॉपर इंटरकोर्स टेक्निक हैला एजुकेट द पीपल अबाउट प्रॉपर इंटरकोर्स टेक्निक यहाँ दादा मैंने भल कि देखिकी
करिव संभाळिकरी हला आगो कंसेंट नबो तांको एक्सप्लेन करिवो जे एमिते एमिते प्रॉब्लम हेइचे मु आपनको किछि टेक्निक्स बतेबी हला सेते पे आपन कंफर्टेबल की जदि से ह करे तहारे प्रॉपर कंसेंट साइन करिवो तांको पाखरु आउ ए टेक्निक तांको बतेबो बुझिला नहले कहि पारे विपदर सम्मुखीन हेइ पारनते आपन माने बुझिला ये थिला हमर नर्सिंग मैनेजमेंट तो आशा करूची आपण माने ठीक रे सब्जेक्ट को चैप्टर टी को बुझी पारि थिबे हला ए टॉपिक टी को बुझी पारि थिबे ठीक रे जदि किछ असुविधा होउची ताले आपण माने मते कमेंट करके जणांतु आई विल रेक्टिफाई इट ठीक अछि तो पिला माने आज पे एतिकी पुनी देखा हबो आसंता वीडियो रे सेते पर्यंत रहउची नमस्कार।